नमस्कार दोस्तों, महात्मा गांधी नरेगा ने एक के बाद एक जो आदेश है वो जारी हो रहे हैं। सबसे पहले जो जॉब चार्ट का जो आदेश है वो जारी हुआ, उसके बाद में जो कनिष्ठ तकनीकी सहायक हैं जिन्होंने सर्विस पीरियड के दौरान कोई डिग्री और डिप्लोमा किया है तो उसकी सूचना मांगी गई, और अब महात्मा गांधी नरेगा संयोजना अंतर्गत संविदा पर कार्यरत कार्मिकों द्वारा 65 वर्ष की आयु तक कार्य पर रखे जाने के निर्देश दिए जाने बाबत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर रीट याचिकाओं की प्रभावी पैरवी को लेकर एक जो आदेश है 6183 दिनांक 7 जून 2024 को आयुक्त टीना डाबी के डिजिटली साइनों से यहां पर जारी किया है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने जो संविदा कर्मचारियों ने महात्मा गांधी नरेगा योजना में 65 वर्ष तक रखे जाने को लेकर विभिन्न जो माननीय उच्च न्यायालय हैं उनमें विभिन्न जो याचिकाएं हैं वो दायर की कर रखी है, और इन याचिकाओं की प्रभावी पैरवी को लेकर अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी साथ ही जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला परिषद समस्त को डायरेक्शन देते हुए प्रभावी पैरवी के डायरेक्शन यहाँ पर जारी की है। इन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत विभिन्न पदों पर कार्य संविदा कार्मिक जिनकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी है या होने वाली है के द्वारा 65 वर्ष की आयु तक कार्य करने की अनुमति दिए जाने के अनुतोषित माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर और जयपुर पीठ में याचिकाएं दायर की गई है या करने की संभावना है, तथा कुछ कार्मिक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायालय से प्राप्त अंतरिम स्थगन आदेश की पालना में भी कार्यरत हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दो प्रकार की जो यहाँ पर जो है पक्ष हैं कि जिनको 60 वर्ष होने वाली है या हो चुकी है और उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में 65 वर्ष तक कार्य करने की अनुमति चाही गई है, इस अनुतोष को लेकर जो है रिट याचिका दायर की गई है, या ऐसे कार्मिक जो इंटरिम ऑर्डर के माध्यम से 60 वर्ष बाद भी कार्यरत हैं। इस संबंध में दायर रिट याचिकाओं में प्रभावी पैरवी और प्रतिरक्षण की कार्रवाई हेतु निम्नानुसार निर्देश जो हैं, करीब 7 प्रकार के जो निर्देश हैं प्रभावी पैरवी को लेकर वो जारी किए हैं। पहला निर्देश है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत संविदा कार्मिकों का नियोजन महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के तहत वित्त विभाग के सर्कुलर दिनांक 9 जनवरी 2007 के क्रम में किया गया है। वित्त विभाग के अनुसार संविदा कार्मिकों को 60 वर्ष की आयु तक रखा जा सकता है। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कार्य जो संविदा कर्मचारी हैं उन पर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 256D लागू नहीं होता। तो दोस्तों इन्होंने स्पष्ट जो डायरेक्शन है वो जारी किए हैं कि जो नरेगा में जो संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के तहत लगे हुए हैं और वित्त विभाग के सर्कुलर दिनांक 9 जनवरी 2007 के क्रम में लगे हैं, अतः उनको 60 वर्ष तक ही रखा जा सकता है। साथ ही इन्होंने कहा है कि नरेगा संविदा कार्मिकों पर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 का जो नियम 256D है वो लागू नहीं होता। साथ ही वित्त विभाग की आईडी संख्या 3320-0095 दिनांक 6 फरवरी 2020 के क्रम में विभागीय आदेश दिनांक 4 मई 2020 के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कार्य संविदा कार्मिकों को 60 वर्ष तक ही रखा जा सकता है। साथ ही तीसरा जो डायरेक्शन है इन्होंने कहा कि विचाराधीन प्रकरणों में नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता राजकीय अधिवक्ता से प्रभारी अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत संपर्क कर प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाए। साथ ही चौथा जो डायरेक्शन है प्रकरण से संबंधित पूर्ण तथ्यात्मक विवरण रूल्स सर्कुलर और डायरेक्शन की प्रति अधिवक्ता को तुरंत उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही पांचवा जो डायरेक्शन है कि विचाराधीन प्रकरण जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया गया है उनमें तत्काल स्थगन आदेश निरस्त करने का प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रस्तुत करवा कर जो स्थगन आदेश है वो निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। साथ ही छः नंबर जो डायरेक्शन है इन्होंने कहा है कि सभी प्रकरणों में विवादित बिंदु समान होने से
प्रकरणों को एक जाही क्लब कराकर राजपक्ष में निर्णय पारित कराने का प्रयास किया जाए। साथ ही जो ऐसे जो कार्मिक हैं जिनको 60 वर्ष या उससे अधिक का समय हो चुका है, ऐसे कार्मिकों पर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 और कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 के अंतर्गत नहीं लिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर जो 60 वर्ष के बाद में भी जो कार्मिक लगे हुए हैं संविदा कर्मचारी मनरेगा योजना के तहत, उनके प्रभावी जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में जो रिट याचिकाएं दायर होती है उनके प्रभावी पैरवी को लेकर करीब करीब आप देख सकते हैं 7 प्रकार के जो डायरेक्शन हैं वो जारी किए हैं। इन्होंने कहा है कि जो इंट्रीम ऑर्डर है, जो प्रतिरक्षण की कार्रवाई की गई है उसके संबंध में प्रभावी पैरवी करें, और यहाँ पर प्रार्थना पत्र और प्रभावी पैरवी करते हुए स्थगन आदेश है वो निरस्त करवाएं। साथ ही इन्होंने कहा है कि संविदा कर्मचारियों को केवल 60 वर्ष तक ही नियोजित रखा जा सकता है। मनरेगा कार्मिक मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत वित्त विभाग के सर्कुलर दिनांक 9 जनवरी 2007 के क्रम में नियोजित हैं, इसलिए इन्हें वित्त विभाग के अनुसार 60 वर्ष तक ही रखा जा सकता है। साथ ही इन्होंने स्पष्ट किया है कि वित्त विभाग के जो नरेगा के जो संविदा कर्मचारी हैं उन पर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 का नियम 256D लागू नहीं होता। साथ ही विभागीय आदेश दिनांक 4 मई 2020 के अनुसार मनरेगा योजना में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को केवल 60 वर्ष तक की आयु तक ही रखा जा सकता है। विचाराधीन प्रकरणों में नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता और राजकीय अधिवक्ता से प्रभारी अधिकारी है उसके द्वारा व्यक्तिगत संपर्क कर प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाएगी। प्रकरण से संबंधित पूर्ण तथ्यात्मक विवरण, नियम, सर्कुलर, रूल्स, डायरेक्शन की जो प्रति है वो अधिवक्ता एडवोकेट को उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही विचाराधीन प्रकरणों में जिसमें माननीय उच्च न्यायालय में अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया है उनमें तत्काल स्थगन आदेश निरस्त करने का प्रार्थना पत्र और जवाब प्रस्तुत कराकर स्थगन आदेश निरस्त करने की कार्रवाई करावें। साथ ही इन्होंने कहा कि सभी प्रकरणों में विवादित बिंदु समान होने के कारण सभी प्रकरणों को एक जाई क्लब कराकर राजपक्ष में निर्णय पारित करने का प्रयास किया जाए, और ऐसे कार्मिक जो 60 वर्ष बाद में भी लगे हुए हैं विभिन्न कोर्ट केसेस के माध्यम से, ऐसे कार्मिकों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 और कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं आयुक्त टीना डाबी के डिजिटली साइनों से दिनांक 7 जून 2024 19:20:50 पर ये जो पत्र है वो जारी किया है, और उन्होंने कहा है कि ऐसे कार्मिक जो 60 वर्ष बाद में भी 65 वर्ष तक कार्य करना चाहते हैं, ऐसी अगर कोई भी रिट याचिका माननीय हाईकोर्ट जयपुर या जोधपुर में दर्ज होती है तो उसमें प्रभावी पैरवी कराते हुए जो निर्णय है वो राजपक्ष में करवाएं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।